हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में कुल टोटल पद शिक्षक के कितने हैं जो खाली हैं, ठीक है, और 1 लाख से ऊपर पद खाली हैं। अगर खाली हैं तो कितने पद हैं, कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं, और इसमें जो शिक्षक की वैकेंसी है वो कब तक आएगी, चाहे लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, जूनियर की वैकेंसी हो या PRT की हो, ठीक है, TGT PG, इन सभी की बात करेंगे एक एक करके। और सबसे जो मुद्दा पूर्व पकड़ा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया। आपको पता होना चाहिए कि जब 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई थी 2018 में, लेकिन 2023 में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई BEd वाले एलिजिबल नहीं हैं PRT के लिए। तब से अब ये बात होने लगी कि ठीक है, क्या 69,000 वाले भी एलिजिबल नहीं होंगे प्राइमरी के लिए। अब इस पर सभी लोग जानना चाहेंगे कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या है मैटर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। अगली बात बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब कहेंगे सर, आचार संहिता हटने के बाद अध्यापक भर्ती देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप ये पूछना चाहेंगे, इसके बारे में भी आपको बता दूं। बड़े अच्छे से बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कहाँ की वैकेंसी चाहते हैं। अगर जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अगर कोई वैकेंसी आई होगी तो हम वहाँ की वैकेंसी आपको कवर करवा देंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उस स्टेट या फिर उस सिटी की वैकेंसी को कवर करना। अब हम बता दें आपको, ध्यान सुनिए। अब देखिए, हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में शिक्षा विभाग में कुल कितने पद खाली हैं, लगभग 1.5 लाख की बात किया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए patrika.com की न्यूज़ है जिसके बारे में हम आपको शेयर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1,43,166 पद रिक्त हैं, लगभग मैं मान लेता हूँ 1.5 लाख। अब सोचिए 1.5 लाख कहाँ खाली, वो भी राजस्थान में। कहाँ खाली है, राजस्थान में। अब सोचिए 1.5 लाख राजस्थान में, तो यूपी में कितना होगा। यूपी में तो हमें तो लगता है कम से कम 4 लाख के आसपास तो होगा ही, लगभग 4 लाख के आसपास खाली शिक्षा विभाग में। क्योंकि यूपी में वैकेंसियां आती कब है, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन से साल भर पहले ही वैकेंसियां के अपडेट देखने को मिलते हैं, उसके बाद कभी देखने को मिले नहीं। 2018 के बाद से कभी भी वैकेंसियां देखने को मिली नहीं। अगर 2018 के बाद जूनियर के PRT की वैकेंसी देखने को मिली ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद, इसके बाद वैकेंसी कभी आपको देखने को मिली है कोई वैकेंसी, इसके बाद कभी वैकेंसी नहीं देखी। 5 से 6 साल हो गए लेकिन वैकेंसी देखने को नहीं मिली। लेकिन BEd बरोबर हो रहा है, मतलब BEd के कॉलेज भी चल रहे हैं, लोग BEd भी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी किसी को कुछ मिल नहीं रही है, सब लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। खैर, अपने मुद्दे पर आते हैं। खैर, मुद्दा तो बहुत बड़ा है, अगर बात करने लग जाएँ तो समय कम पड़ जाएंगे, लेकिन मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, तो बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम आ जाते हैं फैक्ट पर। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर 1 लाख 1.5 लाख के लगभग अगर शिक्षा विभाग में पोस्ट हैं खाली, तो कौन से विभाग में कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने खाली हैं, ठीक है, आइए हम देखते हैं। यहाँ देखिए फैक्ट फाइल है जो इसके बारे में आप डेटा यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए, बोला गया प्रधानाचार्य की बात किया जाए तो स्वीकृत मतलब जो टोटल पद हैं 17,153 पद है, जिसमें से कार्यरत 11,000 हैं, 6,041 पद खाली हैं। हम टोटल करेंगे, कार्यरत को हम रिजेक्ट कर देंगे और डायरेक्ट हम आपको ये बात करेंगे। देखिए, उप प्रधानाचार्य की बात किया जाए 12,414 पद हैं टोटल, जिसमें से 11,227 खाली हैं। अगर हम बात करें व्याख्याता मतलब लेक्चरर की बात किया जाए तो 55,000 पोस्ट हैं टोटल, 55,081 जिसमें से 21,121 खाली हैं, समझ रहे हैं आप। और वरिष्ठ अध्यापक की बात किया जाए तो 85,468 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से 33,000 पोस्ट खाली हैं। अध्यापक की बात किया जाए तो 98,446 पद हैं टोटल पोस्ट है, जिसमें से खाली है 29,272। इसी तरह आपको देखने को मिल जाएगा लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसी तरह आपको लेख सहायक के, लेख परिचालक की वैकेंसी है। इन सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो 1,43,166 पद रिक्त है। अब इतने पद रिक्त है, बताइए ये वैकेंसियाँ कौन रिलीज है, जब इलेक्शन आता है तभी ये वैकेंसियाँ रिलीज करते हैं, ठीक है, उसके बाद तो रिलीज करेंगे नहीं, तो इतने पद खाली हैं। अब इस पर वैकेंसियां कब देखने को मिलेगी, आप इस पर जानना चाहेंगे, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो सब और भी एक न्यूज़ है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, BEd डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को नहीं जाएगी नौकरी। देखो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियाँ रहेंगी कायम। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब कोई डिसीजन आता है ना सुप्रीम कोर्ट का, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो इससे पहले की चीज़ें हो गई हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो आने वाला है
प्रेजेंट में चल रहा है, जो आने वाला है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है रूल को। तो यही शर्तें हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले कोई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी है और उनकी भर्ती के विज्ञापन बीएड की भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद तो भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही योग्य होंगे। देखिए, अगर मैं सीधे से बोल दूँ, एक सीधे साफ शब्दों में, कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं अगर पहले हो गए, मतलब 11 अगस्त 2023 से पहले अगर किसी भर्ती में आपने ज्वाइनिंग कर लिया है, अगर आप टीचर बन चुके हैं बीएड वाले, तो आपको नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। पहले के भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं, ध्यान से देखिए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये यूपी की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनेगा, यूपी नया शिक्षा सेवा आयोग उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्तावित भेजकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मांगता है, तो पुरानी भर्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि लंबित भर्ती में पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है और इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 22 में पूरी हो गई चुकी है। अब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में भर्ती अटकी रही। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुए 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की जा। आवेदन करने के तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, आपकी जो वैकेंसियां हैं ये बढ़ेंगी जब शिक्षा चयन आयोग जब अपना नया नोटिस जारी करेगा। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इनका डिसाइड किया कि जुलाई में, हर साल जुलाई में अपना कैलेंडर जारी करेंगे। कौन? यूपी शिक्षा विभाग, नया शिक्षा विभाग, ठीक। देखिए, अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, जिन्होंने रविवार को लोकसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा भाजपा के दिया कि 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी बुरे सपने की तरह। खैर, ये छोड़िए, ये जो चीज़ें हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये पेपर का कटिंग है और इसमें इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यूपी के जो शिक्षा विभाग जो मंत्री हैं वो लोग बोलते हैं कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, तो ये डेटा कहाँ से आ गया कि इन शिक्षकों, देखिए यहाँ पर क्या है, इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत दूसरे कार्य भी। लखनऊ के नवासी प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पूरा डेटा यहाँ पर जारी किया गया है, क्या लिखा गया मैं इसको पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए। नगर व ग्रामीण क्षेत्र के 89 प्राइमरी स्कूल में एक एक शिक्षक तैनात है। इन शिक्षकों पर पढ़ाने के साथ नए बच्चों के दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत कई स्कूल के दूसरे कामकाज भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव अलग से बता दें कि 4 दिन पहले 48 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से स्कूलों में और शिक्षक कम हो गए। आधिकारिक दावे करते हैं कि शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि इनमें से दर्जन भर स्कूलों में शिक्षा मित्र भी नहीं है। करीब 5 साल से शिक्षक न होने से बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही। अभिभावक प्राइमरी स्कूल से बच्चों को निकालकर निजी स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। एक शिक्षक के जिम्मे 2-2 स्कूल। लखनऊ के 1668 प्राइमरी स्कूल में करीब 5000 शिक्षक तैनात हैं। लगभग नगर क्षेत्र में 57 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। वहाँ दूसरे स्कूलों में एक एक शिक्षक लगाए गए, इनमें से कई शिक्षक के पास 2-2 स्कूलों का कार्यभार है। कहने का मतलब कि अब ये अगर एक्चुअल डेटा अगर देखा जाए तो इनके जो कहते हैं जो मंत्री, वो कुछ और है और चीज़ें हकीकत कुछ और है ज़मीनी आधार पर। कुल मिलाकर सीटें बहुत खाली हैं, 3 लाख से ऊपर सीटें खाली हैं शिक्षा विभाग में अगर अनुमान लगाया जाए। तो ये वैकेंसियां अब कब आएंगी? देखिए, अब ये तो भाई गवर्नमेंट बताएगी, योगी जी बताएंगे कि वैकेंसी देंगे कि नहीं देंगे, कि अपने इलेक्शन के समय ही देंगे, ये जाने। आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए,
ये देखिए कुछ दिन में यही हालत होने वाली, गेहूं कटाई की बंपर भर्ती क्वालिफिकेशन अनपढ़ से पीएचडी तक 3.5 रुपये 350 रुपये प्रतिदिन सैलरी मिलेगी। मतलब गेहूं काटिए पकौड़े तलिए, अब कुछ दिन में यही होने वाला है, दो बीड़ी दो चाय, ठीक है, अब यही होने वाले हैं आपके लिए। तो आप समझ जाइए कि क्या दशा अब होने वाली है भविष्य में अगर आप ऐसे ही चलता रहा तो। अब हम बात कर लेते हैं कि आप पूछेंगे हमसे कि सर ठीक है, अब ये वैकेंसियाँ आप बताने वाले थे कि वैकेंसियाँ आप आएंगी कब। देखिए एक चीज़ मैं आपको आपको शेयर बता दूँ, आप एक गैस कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक जो जिनका रवैया जो गवर्नमेंट कर रहा है उसी के बिहाफ पर कि जब जब इलेक्शन नज़दीक होता है तब तब एक नई वैकेंसी निकालते हैं। अभी आचार संहिता लग गई है तो वैकेंसी आना नहीं पॉसिबल नहीं है। वैकेंसी अब जैसे ही 4 जून के इलेक्शन हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये वैकेंसियाँ रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि आपको पता है यूपी में भी सीएम का इलेक्शन होने वाला है 27 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग उससे पहले थोड़ा बहुत लॉलीपॉप देंगे ताकि बच्चे फंसे रहे और उनको अच्छा लगे देखने में कि हाँ भाई वैकेंसी निकाले हैं। तो आप सभी लोग से गुजारिश यही है कि आप वो सोच समझ कर वोट दीजिएगा, और ख़ासकर पहले एनालाइज करिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी पार्टी के विरुद्ध, लेकिन आप चीज़ें समझिए कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, ये आपका अधिकार है, वोट देने जरूर जाइएगा। और आप सभी को गर्मियों की छुट्टियां बहुत बहुत बधाई हो, नई छुट्टी आ गई गर्मी की, और ये आम है इसका लुत्फ़ उठाइए और आनंद लीजिए, और गेहूं काटिए 250 रुपये 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, अब यही करेंगे प्रतिदिन के हिसाब से गेहूं काटिए। अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट तो जवाब दे ही नहीं रही है, पकौड़े तलिए पंचर बनाइए बैठ कर, क्योंकि पीएचडी वाले अगर बोल रहे ना, पीएचडी अगर मतलब कोई लड़का 20 लाख 30 लाख इंजीनियरिंग कर कर 10 लाख 15 लाख खर्च कर कर इंजीनियरिंग करने के बाद अगर वो घर में बैठा है जॉब नहीं मिल रहा है, यानी बीएड करके बैठा है, तो क्या ही बोल सकते हैं विकास क्या हो रहा है, ठीक है। खैर दुख तो बहुत है, आप लोग संयम बनाइए और अपना काम करते रहिए और पढ़ाई मत छोड़िएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है उनसे मैं कहूँगा पढ़ाई अपनी करते रहिएगा, पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए और लगे रहिए, जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब वैकेंसी उनको रिलीज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो इनका डैम है ना भर चुका है, अब पानी नहीं खोलेंगे तो फट जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी वैकेंसी रिलीज ये करेंगे जरूर शिक्षक की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके। अगर आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कोई वैकेंसी को लगता है कि वहाँ पर वैकेंसी आई है कि नहीं जानना चाहते हो, तो कमेंट्स कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और आप लोग से बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग अभी तक वीडियो देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, और आप हम यही कहेंगे कि आपका दिन शुभ हो, और हम सभी लोग एक नए ऊर्जा के साथ एक नए उमंग के साथ अपने मंजिल को पाएं और जीवन को लक्ष्य को पूरा करें और दूसरों का भलाई करते रहें, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरों का भला करते रहेंगे तो अपना भला स्वयं होता रहेगा, ठीक है, धन्यवाद।